नॉमिनिक्लेचर दैट मीन्स ऐसा सिस्टम जो असाइन किया जाता है एक प्रॉपर नेम देने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, किस आधार पर, एक स्टैंडर्ड रूल्स के आधार पर, जिससे कि जो इन कंपाउंड्स की स्टडी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो सिस्टमेटिकल हो जाए। एलिफैटिक जो कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उसमें दो तरह का सिस्टम हमारे पास होता है। एक फर्स्ट जो इसमें सिस्टम है उसको बोलते हैं ट्राइबल सिस्टम, और सेकेंड जो इसमें सिस्टम है दैट इज कॉल्ड IUPAC सिस्टम। ट्राइबल सिस्टम क्या होता है, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खोजना शुरू हुए थे या थोड़े बहुत ही अभी डिस्कवर्ड हुए थे, सिंथेसिस इनकी बहुत कम हुई थी, तो इनका जो नेम है ये उनके किस सोर्स से उनको हम ऑब्टेंट करते थे उस सोर्स के अकॉर्डिंग ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम देते थे। तो हमारा मेन फोकस इस आज के जो लेक्चर में है वो सिर्फ ट्राइबल सिस्टम पे रहेगा। जैसे कि हम एग्जांपल यूरिया का दे रहे हैं, तो यूरिया एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम बोल सकते हैं कि पहला ही ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया था जिसको हमने ऑब्टेंट किया था यूरिन ऑफ द मैमल से। कहाँ से ऑब्टेंट किया था? यूरिन ऑफ मैमल्स। इस जो सोर्स है जहाँ से हमने इसको ऑब्टेंट किया वो यूरिन था, इसलिए इसका जो इसका जो नेम है वो यूरिया रख दिया गया। अब इसी तरह से जैसे मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये जो मिथाइल अल्कोहल है इसको हम वुड स्पिरिट भी बोलते हैं। और क्यों इसको हम वुड स्पिरिट बोलते हैं? क्योंकि इसको हमने ऑब्टेंट किया था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से। तो लकड़ी की जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन थी उससे हमें इसको ऑब्टेंट किया था, उस आधार पर ही इसका नेम जो है वो मिथाइल अल्कोहल रखा, कॉमन नेम जिसको ट्राइबल सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, अभी शुरुआत ही थी इसकी। फॉर्मिक एसिड नेम है वो डिराइव किया है ग्रीक वर्ड फॉर्मिकस, कहाँ से डिराइव किया है? फॉर्मिकस। तो फॉर्मिकस रेड एंट को बोलते हैं, रेड एंट्स मीन चींटी होती है लाल रंग की, तो रेड एंट्स को बोलते हैं क्योंकि जो ये जो एसिड है फॉर्मिक एसिड ये रेड एंट से ऑब्टेंट होता है, इसलिए उसी आधार पर हमने जो ग्रीक वर्ड है फॉर्मिकस पे इसके ऊपर इसका ट्राइबल नेम है, कॉमन नेम है, फॉर्मिक एसिड रख दिया। ये जो नेम हम अभी तक दे रहे थे जैसे यूरिया नाम दिया, मिथाइल अल्कोहल नाम दिया, फॉर्मिक एसिड ये जो नाम दिया, ये कोई सिस्टमेटिकल तरीका नहीं था। दीज नेम्स आर विदाउट एनी सिस्टमेटिकल बेसिस एंड आर नोन एज ट्राइबल नेम्स, कॉमन और ट्राइबल नेम्स। कुछ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हम और डिस्कस करते हैं, जैसे कि एसीटोन है। एसीटोन एक कॉमन नेम है, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए? ये CH3CO के लिए। इसी तरह से हमारे पास जैसे डाइमिथाइल इथर है, डाइमिथाइल इथर ये एक कॉमन नेम है किसके लिए? CH3OCH3 इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास। इसी तरह से जैसे आइडोफॉर्म है हमारे पास CHI3, ये भी एक कॉमन नेम है आइडोफॉर्म, ये एक कॉमन नेम है, और IUPAC नेम इसका कुछ और होगा। तो आइडोफॉर्म हो गया या क्लोरोफॉर्म हो गया हमारे पास, एसिटिक एसिड हो गया जो सिरका जिसको हम बोल देते हैं अपनी भाषा में, तो एसिटिक एसिड ये एक कॉमन नेम है, जबकि इसका जो IUPAC नेम होगा जो दूसरा सिस्टम है वो हम उसमें डिस्कस करेंगे, उसमें इसका नेम कुछ और होगा। तो ये एसिटिक एसिड एक कॉमन नेम है, IUPAC नेम इसका कुछ और होगा। तो बहुत सारे ऐसे और भी कंपाउंड्स हैं जिनके कॉमन नेम्स कुछ और हैं और उनका जो IUPAC नेम होगा वो एज पर द रूल्स होगा, एज पर द सिस्टम होगा। तो ये था हमारे पास, तो इसमें थोड़ा सा नॉलेज हमने लिया कि ट्राइबल नेम्स जो है वो क्या होते हैं, कॉमन नेम्स क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो कॉमन नेम्स और ट्राइबल नेम्स ऐसे नेम्स होते हैं जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दिए थे उनके सोर्स ऑफ प्रोडक्शन से, जहाँ से हमने उनको ऑब्टेंड किया था उस सोर्स के ऊपर ही इनका जो नाम है हमने रख दिया था।
जैसे ये हाँ आपको बताया गया, यूरिया, मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मिक एसिड, एसीटोन, डाइमिथाइल ईथर, आइडोफॉर्म, एसिटिक एसिड, ये सारे के सारे कॉमन नेम्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। लेकिन बहुत सारे फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब डिस्कवर होने लगे, जब उनकी सिंथेसिस होने लगी, कॉमन नेम्स को याद रखना मुश्किल हो गया। इसलिए हमने एक सिस्टम डेवलप किया फिर, जिसको IUPAC सिस्टम बोलते हैं। ये दूसरा जो आपके पास तरीका है आई नेमिंग का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो इस सिस्टम को हम दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।